मुजफ्फरपुर के कुढ़नी प्रखंड के भवानीपुर गांव निवासी आदित्य प्रियंका ने रोबिक्स क्यूब में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 30 अक्टूबर को तमिलनाडु में आयोजित द मोस्ट पीपल सॉल्विंग रोटेटिंग पजल क्यूब्स ऑनलाइन प्रतियोगिता में भारत के 558 प्रतिभागियों के साथ उन्होंने बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। मात्र 13 सेकंड में रोबिक्स क्यूब बनाकर ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। उन्होंने करीब 13 मोजेक भी बनाए हैं। इसी साल क्यूब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रतन टाटा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अलावा अन्य हस्तियों के चेहरे भी उन्होंने बनाए हैं। वे 4 साल से राष्ट्रीय स्तर पर रोबिक्स क्यूब खेल रहे हैं। 2019 में IIT धनबाद में आयोजित प्रतियोगिता में 15वां स्थान भी उन्होंने प्राप्त किया था। वे 8 साल से क्यूब्स बनाने का अभ्यास कर रहे हैं। आदित्य मोतिहारी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। उनके पिता किसान हैं। आदित्य इस खेल को ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आदित्य कहते हैं, आजकल बच्चे ज़्यादातर समय मोबाइल में बिता देते हैं, इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसको रिलैक्स करने के लिए रोबिक्स बेहतर विकल्प है। इससे ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिमाग और हाथ के बीच बेहतर तालमेल होता है। बिहार में इस प्रकार के खेल में पहली बार किसी युवक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल किया है और अपने देश, जिले और बिहार का नाम रोशन किया है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए अब आपको मिलवाते हैं आदित्य प्रियंका से, जो बताएंगे कि कैसे उन्होंने मुजफ्फरपुर से गिनीज बुक तक का अपना ये जो सफ़र है वो पूरा किया है। हमारे साथ मौजूद है आदित्य प्रियंका, जिन्होंने वर्ल्ड गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनाया है 13 सेकंड में। तो कितनी खुशी मिल रही है? मुझे तो फर्स्ट डे यकीन नहीं हुआ कि मेरे पास जो सर्टिफिकेट है उसका इतना इम्पोर्टेंस होगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस सोशल मीडिया पे मिलने लगे, हम यकीन नहीं होने लगा। मतलब एक दिन में 300-400 लगभग कॉन्ग्रेचुलेशंस आने लगे, हम रिप्लाई भी नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब हमको यकीन हो गया कि जिस रास्ते पर थे वो रास्ता बिल्कुल कठिन था, लेकिन अब बहुत स्मूथ हो चुका है। आज जितना खुशी मिल रहा है ना, हमको एक्सप्लेन नहीं कर सकते उसको शब्दों में, क्योंकि ये शब्दों में एक्सप्लेन करने वाला खुशी नहीं है। इसकी इमोशंस है, मेरी आंखों में पता चल रहा होगा कि कितना खुशी है अंदर से। 5-6 महीने लगभग हो गए पता चलते चलते कि रिकॉर्ड आपके नाम से बना। हाँ, 30 अक्टूबर 2022 को हुआ था, और जब ये दो दिन पहले मेरे पास आया, तो हम जैसे अनबॉक्सिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन का पार्सल, उस तरीके से अनबॉक्सिंग किए। उसके बाद मेरे लिए सरप्राइजिंग था, 558 लोग इसमें शामिल हुए थे और टॉप ऑफ द लिस्ट में आप। ये रिकॉर्ड मेरा खुद का नहीं है, 558 लोग एक साथ इसको ऑनलाइन पे सॉल्व किए थे, जो इंडिया के हर एक स्टेट से आते हैं। बिहार से इकलौता हम थे, क्योंकि रूबिक्स क्यूब में यहाँ के लोग अभी ये भी जानते हैं कि ये जस्ट एक टाइम पास गेम है, कलरफुल गेम है, बच्चों को अगर थोड़ा देर के लिए इंगेज करना हो तो गेम का है सहारा ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रूबिक्स क्यूब एक अच्छे खासे पर्सनैलिटी वाले लोग इसको यूज़ करते हैं, ताकि उनका मेमोरी, पर्सनैलिटी और भी बहुत सारा चीज़ उनका इम्प्रूव हो। लेकिन रूबिक्स क्यूब एक बहुत ही डिफ़िकल्ट गेम है, सारे लोग ट्राई कभी ना कभी करते हैं, मगर उनको नहीं होना होने की वजह से वो छोड़ देते हैं। कभी पिताजी चूँकि किसान हैं तो उन्होंने मना नहीं किया कि ये क्या करते रहते हो, चूँकि इसके बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते भी नहीं है। हाँ, पापा जी बोलते थे कि ये मतलब दिन भर लड़का कलर वाला गेम लेकर घुमाते रहता है, कभी ट्रायंगल टाइप का, कभी स्क्वायर टाइप का, कभी अलग अलग टाइप का, और पैसे भी खर्च करता है, इससे अच्छा पढ़ाई में लगाता, उतना देर पढ़ाई करता तो और बेहतर करता। तो हम इसको करते रहते, क्योंकि हमको और जब डांटते थे तो थोड़ा और चुप्पे से और ज़्यादा ना चाहते थे इसको। हमको पता नहीं था पिछले 2-3 साल तक जब हम सॉल्व किए, लेकिन जैसे पता चला कि इसका नेशनल भी होता है, इंटरनेशनल भी होता है, इसमें स्कोप बना सकते हैं, इसमें हम बहुत सारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो फिर हम इसको डबल कर दिए और अपने एक चीज़ को ना हम एक्सपैंड करना शुरू किए, प्रोपागेट किए अलग अलग स्टूडेंट में, ताकि ये चीज़ फैले। बिहार के जो बच्चे इसमें अब फील्ड में आना चाहते हैं, चूँकि जानकारी अब होगी कि बिहार के मुजफ्फरपुर का एक लड़का भी है जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे कम समय में इस क्यूब्स के पजल को सॉल्व किया है, तो वो जो आना चाहेंगे उनको कैसे? ये रूबिक्स क्यूब वो चाहे तो सोशल मीडिया से सीख सकते हैं। अपने आसपास हर एक स्कूल में कम से कम 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं जो सॉल्व करते हैं, लेकिन सबका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, तो वो अपने आसपास के दोस्तों से सीख सकते हैं, और नहीं तो वो सोशल मीडिया पे सीख सकते हैं, या फिर वो चाहे तो में उन्हें आगे स्कोप नजर आएगा। समय में फिजिक्स का
बहुत कम ही मिल पाता है मेरे ख्याल से। वहाँ पे अच्छी इसका कोचिंग भी चलता है, इसका ट्यूटोरियल होता है कि नहीं, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन कपड़े चेंज कर लेंगे लेकिन दिमाग को चेंज कर, कितना चेंज करता है दिमाग को रूबिक्स उसी तरीके से। वो चाहे तो ब्लाइंड फोल्डेड रूबिक्स को सॉल्व करके आपको और इम्प्रूव कर सकता है। वो जैसे रूबिक्स बेरल का जो अंधे लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर लेते। खेल खेल में रिकॉर्ड बनी, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में लगभग मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 बच्चा को सिखाए थे। इवन हम प्रिंसिपल सर को भी सिखा के आए थे और उनको अगर कोई गिफ्ट देना होता है तो हम रूबिक्स क्यूब देते थे। तो सारे लोग हमको जानते थे कि रूबिक्स क्यूब में सॉल्व करता है। और पिछले हम 3 महीने से साइकिल का हैंडल छोड़कर अब पूरे ग्राउंड में लगभग 300-400 रूबिक्स क्यूब सॉल्व करते हैं, मगर हम इवेंट फेल हो जाते हैं। हमको तैयारी करना पड़ेगा। जैसा कि आपने सुना कि आदित्य प्रियंका का क्या कुछ है कहना, मुजफ्फरपुर से NBT के लिए मैं संदीप कुमार।